पाता है वो अपने आप को बहुत ही कमजोर समझता है। ईटे टूट गए हैं, आठ ईटे टूट गए हैं, वो दौड़ता रहता है। अरे भैया यू देखो, सभासदों को तो बहुत है परेशानी, बहुत है दिक्कत है, बहुत है बड़ी समस्या है। अब क्या किया जाए, सभासदों को निधि थोड़ी ना मिलती है जो अपने निधि का पैसा खर्च करके किसी के द्वारे किए भैया मोहल्ले की नाली बनवा दे, सड़क बनवा दे, कुछ मेंटेन करवा दे, झाड़ू वाड़ू लगवा दे। बेचारा भैया सभासद करे तो क्या करे, बस जनप्रतिनिधि बन जाता है लेकिन फंडे नहीं, नगर पालिका में ढंग से पैसा नहीं आवत है, पैसा आवत है तो बड़े बड़े कार्य में लग जाता है और बेचारा सभासद भैया अपने का नाली नहीं बनवा पावत है। तो आप देखो ताजवारैन आज जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, आज जो रहा है सभासद एसोसिएशन की मीटिंग रहा है तो मैं जिलाध्यक्ष बनाए गए ताजवारैन। तो बतावत रहे कि देखो भैया हम सरकार से मांग करेंगे कि सभासदों को जो है निधि दी जाए, जैसे विधायकों को निधि मिलती है, जैसे सांसदों को निधि मिलती है, वैसे सभासदों को भी निधि मिले जिससे मोहल्ले का विकास हो पाए। तनिक सुनो ताजवारैन का बता रहे थे। सदों की जो उपेक्षा की जाती है, जिनका सम्मान नहीं होता है, कहीं पे ऐसे नए नए सभासद या उस तरह के हैं, उनका नाली जैसे चार ईंटें टूट गए हैं, आठ ईंटें टूट गए हैं, वो दौड़ता रहता है और जहाँ पे दौड़ता रहता है सभासद हमारा पीड़ित हो जाता है, दौड़ते दौड़ते एक नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं बनवा पाता है, उसको कम से कम बजट इतना मिल जाए, उसको अपना खुद का निधि हो जिससे वो अपनी काम करा सके और अपने सम्मान में नगर को जो है नगर की जनता को सम्मान दे सके, इसके लिए उसको दोबारा चुनाव में जाना हो तो कह सके गर्व से कि हमने आपके पहने पे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, इन त्योहारों पे ऐसा होता है कि चार ईंटें टूटे हैं, क्षेत्र का सभासद नहीं बनवा पाता है, वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है। जब उसकी निधि हो जाएगी और उसका सम्मान बढ़ेगा तो अपनी निधि से कहीं पत्थर रखाना हुआ, कहीं नाली खड़ंजा जो टूटा हुआ वो हो जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सभासद मजबूत होगा। उसी पे हमने ये बनाया, हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, पूरे जनपद के सभासदों को बहुत बहुत बधाई हो और उनके हर बात पे इंशाल्लाह खरा उतरने का काम करेंगे और इनकी बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर सभासदों में एकता तो बहुत है, सारी दिख रही थी भैया, सैकड़ों की संख्या में सभासद आए थे बाराबंकी जिले नगर पालिका परिषद में, सभासद एसोसिएशन की मीटिंग हुई जिसमें भैया शीर्ष नेतृत्व भी इनके आए हैं और इस दरमियान फैसला लिया गया कि आज से बकायदा सभासद एसोसिएशन के बाराबंकी जिले के जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं ताजवारैन। सभी ने ताली बजा रहे थे, फूलों से इनका स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। भैया सील प्रकाश शुक्ला भी दिख रहे थे, फैजल भी नारे लगा रहे। बाराबंकी से लेकर बंकी तक, बंकी से लेकर के जयपुर तक भैया पूरे जिले स्तर के सभासद यहाँ पर आए थे और ताजवारैन का अभिनंदन स्वागत कर रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे, बाकी भैया नारेबाजी तो आपने सुने ली। अब भैया उम्मीद करते सरकार इनकी बात सुनेगी, समस्या का समाधान करेगी और कम से कम सभासदों को भी निधि देगी। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शेयर करना खत्म, दुर्गा शर्मा सर को सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।